क्या बात है, क्या बात है, मजेदार। कुछ भी जा रहा है तो वो रिकॉर्ड होता है। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? बिहार से। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। लद्दाख राइड के डे टू में आप सबका स्वागत है। अभी हम लोग रुके हुए हैं पठानकोट में। पठानकोट में एंटर करते ही, जैसे आप जालंधर से जब आएंगे और पठानकोट में एंटर करेंगे, तभी ये होटल लियो पड़ता है। यहाँ पे हम लोग स्टे किए थे, बहुत अच्छा होटल है। और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। हमारी जो फर्स्ट राइड है, फर्स्ट जो टारगेट है, वो है उधमपुर का। उधमपुर यहाँ से 160 किलोमीटर के अप्रॉक्स पड़ेगा, दो ढाई घंटे तो लग जाएंगे। उसके बाद शुरू हो जाएगा हिल्स, और हिल्स आने के बाद व्यू अच्छे अच्छे चालू हो जाएंगे। फाइनली अब टाइम आ गया यहाँ से निकलने के लिए, और अब भी टाइम हो रहा है 10:39। कितनी भी कोशिश कर लो जल्दी निकलने की, बट हो नहीं पाता। हमारा टारगेट था 8 बजे निकलने का, 10:39 हो गया। और बाइक हमारी रेडी है, सब कुछ लगा दिया, फुल्ली पैक्ड है, बस यहाँ से निकलना है। फर्स्ट टारगेट उधमपुर, एंड देन जवाहर टनल होते हुए श्रीनगर। टाइम हो रहा है 11:09, और अपनी बाइक चल चुकी है कल से लेकर 5:33। अब यहाँ से निकलना है, चलो भैया बाय। ये है होटल लियो जहाँ पे हम लोग रुके थे। सो मॉर्निंग में जब हम लोग उठे थे 7:15 पे, तो हमने देखा था कि यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन जब हम लोग निकले तब मौसम बहुत साफ हो चुका है, अच्छी खासी सनलाइट आ चुकी है। जो फर्स्ट टारगेट है 135 किलोमीटर का, वो है उधमपुर का। कठुआ होते हुए हम लोग उधमपुर जाएंगे। कठुआ आपने सुना होगा, कई बार न्यूज़ में रहता है अक्सर, कठुआ है, अनंतनाग है। सो अनंतनाग भी जाएंगे, उधमपुर से अनंतनाग जाएंगे, और अनंतनाग से आगे फिर हम लोग आज जाएंगे श्रीनगर। कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा डे में कवर करें, क्योंकि अच्छे व्यूज़ जो देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे उधमपुर के बाद। उधमपुर 174, जम्मू 103, एंड अमृतसर 104। अपने को जाना 174 उधमपुर। पता नहीं यहाँ पर मेजरमेंट किस हिसाब से है, साइन बोर्ड पे 174 दिखा रहा है, गूगल मैप 134 दिखाता है, मतलब सबका अलग अलग इसमें दिख रहा है। हम फिलहाल गूगल मैप को फॉलो करते हैं, क्योंकि जितनी बार भी देखा है गूगल मैप अप्रॉक्स सही टाइम दिखाता है। फिलहाल मुझे हवा डलवानी है, तो मैं सोच रहा हूँ कहीं पे एक बार हवा डलवाने को मिल जाए, क्योंकि एक बार सब कुछ ओके हो जाएगा। और हाँ, ब्रेकफास्ट हम लोग कर चुके हैं, ब्रेकफास्ट हमने होटल में ही कर लिया था, क्योंकि हमें पता था कहीं भी रुकेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए ब्रेकफास्ट कर लिया। अभी फुल है, बस गाड़ी को ओके करवाना है, थोड़ा सा फ्यूल हवा वगैरह डलवा लें। फ्यूल भी ठीक ठाक है अभी, तो आगे कहीं पे टॉप अप कराएंगे, फुल टैंक करा लेंगे जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट हमें लगेगी। फिलहाल अभी कंटिन्यू करते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है भैया, थैंक यू। सो अभी हवा डला ली यहाँ पे। तो अभी हम लोग जम्मू कश्मीर एंटर करने के लिए लखनपुर बॉर्डर आए थे, लेकिन वहाँ पर रोक दिया गया, क्योंकि विद इन 72 आवर्स या तो आपके पास RT-PCR होनी चाहिए, या फिर आपके पास डबल डोज का सर्टिफिकेट होना चाहिए और अगर दोनों ही चीज़ें नहीं है तो ये गवर्नमेंट सर्विस यहाँ पे अवेलेबल है, एंटीजन टेस्ट हो जाता है। सो हम लोग वहीं पे एंटीजन टेस्ट कराने के लिए आए हुए हैं, टेस्ट करा दिया, रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। फिलहाल हम लोग का एंटीजन टेस्ट हो गया है और ये मिल गई है रिपोर्ट। टाइम हो रहा है 12:15, बहुत लेट हो गए। यहाँ पे एंटीजन कराया, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बट बातें करने में बंगाल के दो राइडर मिल गए, उनसे बात कर रहे थे तो टाइम हो ही जाता है। ये है लखनपुर बॉर्डर, यहाँ पर हम लोग आ गए थे। कठुआ पड़ती है जगह, वेलकम टू लखनपुर बॉर्डर। यहाँ पर चेकिंग हुई थी, इन्होंने बताया था कि जम्मू कश्मीर में एंटर करने के लिए आपको एंटीजन होना चाहिए, RT-PCR कुछ ना कुछ होना चाहिए, नहीं तो डबल डोज ही होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो आप नहीं जा सकते। सो यहाँ पर इन्होंने वैक्सीनेशन चेक किया हमारा, 2 दिन बाद फिर कराएंगे। हाँ, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। पूरी तरह से पैक कर रखा है, जम्मू कश्मीर एंटर करना है तो भाई साहब परिंदा भी पैर नहीं मार सकता बिना इनकी परमिशन के, बहुत अच्छा है। फिलहाल हम लोगों ने प्लान किया जम्मू से ना जाके, उधमपुर से एक शॉर्टकट है वहाँ से निकलेंगे, क्योंकि जम्मू वाला जो रास्ता है उसमें लगता है टाइम। क्या बहुत अच्छे अच्छे सीनिक व्यूज़ आ रहे थे, मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ, बट हुआ क्या, GoPro ऑन नहीं हो रहा था, सो रोक के GoPro सेट करना पड़ा। मौसम बहुत शानदार हो रखा है, यहाँ से गएंगे फिर नीचे जाएंगे फिर ऊपर, आप आगे देख रहे होंगे बहुत सही व्यू आ रहा है, मतलब अगर मैं नेकेड आइज से बोलूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। एक्चुअली क्या हुआ था, दोनों का कैमरा एक साथ ही बंद हुआ था, मतलब दोनों ही ऑन कर रहे थे, दोनों का नहीं हो पा रहा था, सो हम दोनों ही रुक गए थे एक जगह पे ही। फुल कर दो भैया। सो अब हम डला रहे हैं आज डे का फर्स्ट और राइड का थर्ड। स्कैन हो जाएगा, स्कैन? हाँ, तो बस स्कैन कर देना हमारा तो 670। अरे यार कैसी बात कर रहे हो, पैसे भी लोगे क्या? बस भाई, जब से ये सर्विस हो गई है ना, जिंदगी आसान हो गई है।
फिलहाल हम लोगों ने यहाँ पर पेट्रोल डला लिया और आगे मुड़ना है, और मेन चीज़ थी अभी इसे फुल करा लिया तो टेंशन नहीं रहेगी। और सामने के व्यू देखिए, नज़ारे देखो भाई, खतरनाक। और अभी ये शुरुआत है, मतलब इस जर्नी की भी और इस नज़ारों की भी शुरुआत है, असली खेल तो अब आगे होगा। जो व्यू देखने को मिलेंगे मज़ा आएगा। और यहाँ पे क्या है, रोड थोड़ी सी पतली और डे ट्रैफिक, रूटीन ट्रैफिक जो होता है ना, जो डेली चलने वालों का, वो बहुत ज़्यादा है। और इस तरह के ना बहुत सारे पीछे मुझे पॉइंट मिले थे, बट क्या है, सब सूखे हुए हैं। देखिए बहुत कम पानी, लिमिटेड पानी है। उधमपुर कटरा श्रीनगर 328। सो ये है वो शॉर्टकट, यहाँ से ये जाता है जम्मू होते हुए उधमपुर, और ये जाता है डायरेक्ट उधमपुर। तो इसी से अभी हम लोग जाएंगे। ये जगह अगर आप कभी भी इधर आते हैं तो ध्यान रखिएगा कि संभा जगह पड़ती है, संभा को क्रॉस करने के बाद फिर ये टर्न मिलेगा आपको। चले कैब भाई, इसी से गए थे क्या लास्ट टाइम? सो यहाँ पर काफ़ी देर बाद अभी हम लोग थोड़ा सा रुके थे, और यहाँ का व्यू देख लीजिए यार, मतलब क्या खूबसूरत नज़ारे हैं ये देखो, और सामने का व्यू देख लो। ब्रिज बहुत खूबसूरत लग रहा था, अभी काफ़ी देर से हम लोग चल रहे थे। सो हो क्या रहा था कि यहाँ पर हल्की हल्की बारिश गिर रही थी कहीं कहीं पे, और कहीं कहीं पे नहीं। सो हम लोग ने रेन कवर वगैरह भी कुछ भी नहीं लिया, बट व्यू इतने खूबसूरत थे तो मैंने सोचा एक बार आपको दिखा देता हूँ। गजब नज़ारे हो रखे हैं। अभी हम लोग थोड़ी देर में उधमपुर पहुँचने वाले हैं, और ये देखो बादल, सामने बादल आ रखे हैं इसके ऊपर। ये जो व्यू है, मे भी आपको दिख रहा होगा इसमें कैमरे में, ये ऊपर बादल दिख रहे हैं उधमपुर के लिए। ये तो उधमपुर के लिए इधर ही जाना है। एक्चुअली क्या था, एक पीछे भी रोड कट था तो मैंने सोचा एक बार कंफर्म कर लूं, बट ऐसी जगह पे राइड करते हुए केयरफुल भी बहुत रहना पड़ता है। रीज़न बिहाइंड कि शार्प कर्व्स बहुत ज़्यादा मिल रहा है, अभी हम लोग को पीछे बहुत ज़्यादा मिले थे, आगे भी आप लोग देखेंगे यहाँ पे आपको हर जगह ढाबे वगैरह बहुत मिल जाएंगे। और ये व्यू देख लो, हाँ अपनी राइड का ये पहला टनल है, और इसके बाद कौन सा टनल आना है, अभी चिनानी नाचरी टनल आएगा सबसे पहले, और उसके बाद दूसरा जवाहर टनल आएगा। मजा आ रहा है यार कैब भाई, बहुत बढ़िया। हाँ बारिश रुकने से सबसे ज्यादा ये हो गया कि अपने को टेंशन नहीं है। क्या व्यू आ रहा है, देखो ये व्यू देखो, क्या खतरनाक व्यू यार, व्यू बहुत अच्छा। और ये देख रहे हो पत्थर वाले पहाड़ हैं ये, जैसे हिमाचल में होते हैं ना देवदार, और वो वाले नहीं है। फाइनली हम लोग पहुंच गए उधमपुर, और उधमपुर के आगे थोड़ा सा रुकते हैं। हम लोग यहां पर रुके हुए हैं उधमपुर से थोड़ा सा आगे आने के बाद, यहां के व्यू बहुत ही अच्छा था इसलिए रुक गए। दूसरा क्या था, यहां पर हम लोग रुके हैं कुछ खाने के लिए, पराठे चाय वगैरह ऑर्डर कर दिया, अभी बन रहा है। इतनी देर मैंने सोचा आपको कुछ नज़ारे दिखा दूं, खाते हैं पहले उसके बाद चलते हैं आगे। ब्रेक हो चुका है, ब्रेक में हम लोग ने खाए पनीर पराठा और वही सब चीज़ें खाए। पीछे राइड में मैंने आपको बताया था दो लोग बंगाल से मिले थे, उनसे एक बार इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। ये है भाई अपना शयन एंड दूसरा विशाल। ये हम लोग की बाइक वगैरह खड़ी हुई है। टोटल अब हमको कवर करना है 191 किलोमीटर, और उसके मेरा भाई चाय पियोगे? हाँ चाय पियेंगे, मैगी नहीं खाएंगे मैगी आगे ना। यहाँ से अब हमको जाना है 191 किलोमीटर, और टाइम जो दिखा रहा है इस पर गूगल मैप 5 hours 31 minutes दिखा रहा है, बट पता नहीं एक्चुअल में कितना लगने वाला है, क्योंकि बीच बीच में हम लोग ब्रेक के लिए रुक जाते हैं, तो इस वजह से थोड़ा बहुत टाइम ज़्यादा लग जाता है। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, एक चाय और ऑर्डर कर दिए क्या भाई ने, सो वो चाय को फिनिश करते हैं, आगे निकलते हैं, मिलते हैं आपसे आगे। और नज़ारे देख लो पीछे के व्यू, बट एक्चुअल में ये कुछ भी नहीं, असली व्यू शुरू होंगे कश्मीर के बाद से, बहुत ही खूबसूरत वाले। टाइम हो रहा है 4:05, गाड़ी चल चुका है 676, एक से भले दो, दो से भले चार, पहले हम दो थे फिर चार हो गए। चलो कैब भाई, खाना अच्छा था, मज़ा आ गया। पहले एक एक ऑर्डर किया, फिर बाद में हमने कर दिया एक पराठा और, अब हंसी वादियों की तरफ जा रहे हैं, कश्मीर की तरफ जा रहे हैं, श्रीनगर की तरफ जा रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ का जो रोड है ये भी अच्छा है, मतलब आपको कहीं पे भी बहुत अच्छा तो रोड नहीं मिलेगा, बट हाँ बहुत बुरा भी नहीं है, नॉर्मल आप अपनी आराम से बाइक चला सकते हैं, क्योंकि पहाड़ों के हिसाब से बेस्ट है। किसी का घर वहाँ ऊपर बना हुआ है भाई साहब, मज़ेदार।
व्यू। और देखिए सारा इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है यहाँ पे, मतलब कितना टफ होता है गवर्नमेंट के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करना हर जगह पे। पूरा पूरा ऊपर पहाड़ों पे सारा इलेक्ट्रिफिकेशन किया हुआ है। टाइम हो गया 4, और अगर मैं गूगल मैप के हिसाब से देखूँ तो 9:30 बज जाएगा, बट जो मुझे लग रहा है वो एटलीस्ट 11 तो बजेगा ही बजेगा। बट क्या है कि व्यूज़ इतने अच्छे हैं कि कभी चाय पीने का मन कर जाता है, कभी मैगी खाने का मन कर जाता है। कंटिन्यू राइड करते करते हम लोग ब्रेक रेगुलर ले रहे हैं। से ये जा रहा है राइट में पटनी टॉप, ये जा रहा है चिनानी नाचनी टनल। मुझे जहाँ तक लग रहा है मैंने कभी भी किसी लॉन्ग टनल के अंदर से बाइक राइड नहीं की है, तो वो एक्सपीरियंस भी मुझे मिलने वाला है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वेलकम्स यू, चिनानी नाचनी टनल। ओके, सो द करेक्ट नेम इज नाचनी नॉट नाचनी। और यहाँ से ये काफ़ी खूबसूरत व्यू है, इस पूरे पहाड़ के अंदर से ये टनल बनी हुई है। फिलहाल वी आर गोइंग थ्रू टनल। ओ भाई क्या बात है। बट हाँ, कभी भी आप इस तरह की टनल में निकलते हैं तो प्रॉपर डिसिप्लिन में ही गाड़ी चलाएं, ऐसे ना करें कि घूम घूम की आवाज़ कर रहे हैं या रेस लगा रहे हैं, प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव एरिया होता है। पहाड़ के अंदर से हम लोग को इंफ्रा डेवलप करके गवर्नमेंट ने दिया है, तो इसकी रिस्पेक्ट ज़रूर करें। मज़ेदार। और इस तरह के टनल में देखिए ये जो गेट होते हैं ना, ये इमरजेंसी गेट बने हुए हैं यहाँ बीच बीच में, सो इमरजेंसी इवैक्यूएशन सिस्टम भी इनमें होता है। और जो अटल टनल बनी हुई है, जब आप मनाली से आते हैं लेह के लिए, सो वहाँ पर वो और ज़्यादा एडवांस फीचर्स के साथ है। फिलहाल बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। ट्रांसपोर्टेशन कितना इजी हो जाता है, पहाड़ों से बहुत सारा घूम के आओ, उससे बेटर होता है इस तरह की टनल, इस तरह की इंफ्रा में अगर आप आते हैं तो फिर उसको रिस्पेक्ट करें, सल्यूट करें, क्योंकि इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है, कई बार बहुत तरह की कैजुअल्टी भी हो जाती है। फोन बूथ भी यहाँ पर देखिए लगे हुए हैं इमरजेंसी के लिए। आज अपने को 2 टनल मिलने वाली हैं। एंड हाँ, हम लोग अटल टनल से भी आएंगे, बट जब सेकेंड लास्ट डे रहेगा, जब हम लेह से वापस मनाली की तरफ जाएंगे, तब अटल टनल से क्रॉस करेंगे। अब हम लोग निकलने वाले हैं चिनानी नाचनी टनल से। भाई क्या ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था, एक मज़ा आ गया। और देखो निकलते बाहर के नज़ारे, वाह शानदार। थोड़ी देर पहले धूप छाव का खेल चल रहा था, और अब एक बहुत अच्छा व्यू आया था, मैंने सोचा एक बार आप लोगों को भी दिखा देता हूँ। ये जो ब्रिज है और बगल में हमारे रिवर चल रही है, सो ये व्यू बहुत अच्छा लग रहा था। फुल स्विंग में कंस्ट्रक्शन चल रहा है तवा के, और ये देखिए क्या बात है। अभी ब्रिज के ऊपर से आपको दिखाएंगे हम, क्या खूबसूरत व्यू आ रहा है यहाँ पे, ये देखिए। तो अभी हम लोग चल रहे हैं इस रिवर के किनारे, इस रिवर का नाम है चिनाब रिवर। सो अगर आपने हमारी सचपा सीरीज देखी तो आपने देखा होगा, सचपा सीरीज में हम जिस होटल में रुके थे, होटल नेक में, और वहां से जस्ट पीछे थी चिनाब रिवर। सो अभी हम लोग इसी के पैरेलली चल रहे हैं, और अभी हम क्या था, पहाड़ के उधर थे तो सनलाइट नहीं आ रही थी, और अभी एकदम फेस टू फेस सनलाइट आ रही है हमें। और हो सकता है आने वाले 2-3 साल में आप लोगों को ये जो रोड की कंडीशन है ना, इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट मिलेगा। सो आने वाले टाइम में अगर आप आते हैं तो मे भी बहुत अच्छा लगेगा। सो हम लोग थोड़ा सा रॉन्ग रूट आ गए थे, आगे जाके पता चला, बहुत ज़्यादा तो नहीं चले थे, मुश्किल से 200-300 मीटर ही चले थे, तो पता चला रॉन्ग रूट आ गए। रामबन से जब आप श्रीनगर के लिए जाएंगे तो कंटिन्यू कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब रोड है। पानी का फ्लो बहुत अच्छा है, और ये देखिए ये जो एरिया होते हैं ना, तो ये लैंडस्लाइड वाले जोन्स होते हैं, जो इस तरह के एरिया होते हैं। जवाहर टनल 53 किलोमीटर बचा हुआ है, और श्रीनगर है 139 किलोमीटर।
एक बहुत ही खूबसूरत व्यू मिल रहा था हम लोग को यहाँ पे। सो यहाँ पर बोला है चाय गिरेगी तो नहीं, गिरनी तो नहीं चाहिए, थोड़ा बैक कर देता हूँ। चलते हैं जरा नेचुरल वाटर थोड़ा सा देख के टेस्ट करके आते कैसा है। जय भोले बाबा। भैया चाय बना दो। आ रहे आ रहे। और ये देखो लोग मतलब क्या करते हैं यार, ये देखो क्या है, बियर की बोतल पड़ी है, ये सब गंदगी फैलाते हैं। ये मत किया करो यार पहाड़ों पे आके। बहुत ही सही लग रहा है यहाँ पे, थोड़ा ठंडा ठंडा पानी है और पीने के बाद ना बिल्कुल भी इसका आरओ वाटर जैसा टेस्ट नहीं, एकदम नेचुरल वाटर है। चाय ऑर्डर कर रखी है हम लोगों ने, चाय पीते फिर आगे चलते हैं। फिलहाल यहाँ से निकलने का टाइम हो गया है, यहाँ से श्रीनगर बचा हुआ है 135 किलोमीटर। जो एक्सपेक्टेड टाइम दिखा रहा है गूगल मैप वो दिखा रहा है 4 आवर्स का, बट होता क्या है कि जब हम किसी ब्रेक के लिए रुकते हैं, जैसे यहाँ पे रुके थे टी ब्रेक और ड्रोन के लिए, सो टाइम लग जाता है 1 घंटे से ऊपर। कुछ भी जा रहा है तो वो रिकॉर्ड होता है। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? बिहार से घूमने के लिए। कहाँ जा रहे हैं? इंटरकॉम कनेक्ट करो, आपका वेट कर रहा था मैं। और ये कंडीशन देख के भी लग रहा है कि लैंडस्लाइड वाला एरिया है, कैसे पता? ना ना ना, काफी देर से ये जाम लगा हुआ था, बहुत देर से हम लोग निकाल रहे थे। ना ना चलो देखते हैं आराम से, है ना। अप्रोक्स आधे घंटे जाम में फंसे होने के बाद और एक महान इंसान जो कि नहीं जल्दी निकलने के चक्कर में रॉन्ग डायरेक्शन में डाल देते हैं, उसकी वजह से इतना ट्रैफिक लग गया। ये देखो उल्टे आ रहे, मतलब अकल के दुश्मन है ये। आगे आने वाला है जवाहर टनल, मौसम थोड़ा थोड़ा ठंडा हो रखा है, बट ये जो रॉन्ग डायरेक्शन वाले आ रहे हैं ना, इन्होंने तो मतलब यार, चलो 70 से ऊपर नहीं चलानी अपने को। क्या बात है, क्या बात है, मजेदार, बहुत ही मजेदार, awesome। बट ये जो लास्ट टनल हम लोगों ने क्रॉस की थी उसके कंपैरिजन में ये थोड़ी छोटी है, बट इसमें लाइटिंग बहुत अच्छी है, थोड़ा सा स्मूथ है। तो ये क्या है कि वन साइडेड है, मतलब एक समय में एक डायरेक्शन से ही लोग जाते हैं, इसकी वजह से क्या है कि क्लियरेंस बहुत ज़्यादा है। सो लाइटिंग भी बहुत अच्छी है और रात का समय, ये कहाँ से निकल आए चचा? अच्छा मेंटेनेंस स्टाफ है ये यहाँ का, सुबह मेंटेनेंस रूम बना हुआ था वहाँ से निकले हैं। भाई फोटो खिंचा ले एक दो यार, बैटरी दे दो, मेरी बैटरी खत्म हो गई। टनल बनी है इससे क्या, एक तरह का ये शॉर्टकट है। सो ये ना बहुत लंबी राइड को बहुत शॉर्ट कर देते हैं। सो बिग थम्स अप टू NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर दिस ब्यूटीफुल इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये जो लगे हुए होते हैं आप देखेंगे यहाँ पे एयर के लिए ये लगे होते हैं, ये पॉइंट्स, सो ये होते हैं एयर को सर्कुलेट करने के लिए। मतलब क्या होता है, एक तरफ से कंटिन्यू, और ये नेचुरल होते हैं, मतलब इसमें ऐसा नहीं होता है कि किसी तरह की कोई मोटर लगी हो, तो वो क्या है एक तरफ से एयर फ्री वेंटिलेशन के लिए घूमते रहते हैं, उधर से एयर आती है सो अपने आप ये फ्लो करके एयर को आगे भेजते रहते हैं। सो इसी की वजह से अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो किसी तरह की एयर का कोई कमी नहीं है। ऊपर से क्या है कि थोड़ा सा मुझे ना ठंडा ठंडा भी लग रहा है, मतलब जो बाहर की कोल्ड एयर है फ्रेश एयर है उसको ये अंदर खींच के लाते हैं और पूरी टनल में सर्कुलेट करते हैं। अब फाइनली हम लोग निकलने वाले हैं, बाय बाय जवाहर टनल। फाइनली हम लोग श्रीनगर पहुंचने वाले हैं, 32 किलोमीटर यहाँ पे बचा हुआ है। और प्लान था पीछे डिनर करने का, बट क्या था कि जब डिस्टेंस बहुत कम है तो हमने सोचा बेटर रहेगा डायरेक्ट श्रीनगर ही पहुंचते हैं। सो टाइम हो रहा 9:19 और हम लोग श्रीनगर की तरफ जा रहे हैं। अभी बहुत सही है तो किसी तरह की कोई टेंशन नहीं, आप कभी भी इधर आएंगे तो फिर बिंदास जा सकते हैं। सो फाइनली हम लोग आ गए हैं श्रीनगर, और ये मेरी बाइक लगी हुई है आगे कैब भाई की, और वो बंगाल से जो दो लोग हैं उनकी है। कैब भाई गए हुए हैं होटल देखने के लिए। जवाहर टनल से निकलने के बाद जो रोड था बहुत स्मूथ था, बहुत ही अच्छा रोड था।
फाइनली टाइम हो रहा है 12:10 और हम लोग डिनर करके आ चुके हैं। हम लोग श्रीनगर पहुंचे, श्रीनगर पहुंचने के बाद हमें एक दो लोग मिले, उन्होंने बोला होटल के लिए, और लकली हमको मिल गया है हाउस बोट और बहुत ही अच्छे प्राइस में मिला है। अगर आपको प्राइस जानने हैं तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ इस प्राइस को। फिलहाल आज की राइड बहुत अच्छी रही, आपने ब्लॉग में देख ही लिया होगा। कल का प्लान हमारा कुछ ऐसा है कि हम पहले डे में श्रीनगर एक्सप्लोर करेंगे, डल लेक घूमेंगे, एक जगह और है, एक दरगाह है वहाँ पे जाएंगे, उसके बाद जाएंगे एक और खूबसूरत डेस्टिनेशन सोनमर्ग के लिए। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कैब भाई, हाँ भाई, क्या बहुत मज़ा आया, मतलब बहुत सीनिक ये रोड है पूरी, अगर आप उधमपुर टू श्रीनगर आएंगे। बट क्या है, इसको दिन में ही कवर करिएगा, मैं जब भी श्रीनगर पहुँचा हूँ तो हमेशा रात हो चुकी होती है। बट रैली में लाइफ में, मतलब कहते नहीं वंस इन अ लाइफ टाइम, आपको एक बार ज़रूर कश्मीर आना चाहिए, ज़रूर, और बाई रोड ज़रूर आए, और बाई रोड आते हैं तो फिर लद्दाख भी एक बार ज़रूर करिए, क्योंकि वो एक खूबसूरत डेस्टिनेशन है। एक बार लाइफ में लद्दाख जरूर जाना चाहिए, और जो लोग नहीं जा सकते हैं वो हमारी इस पूरी सीरीज को देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, आपको लद्दाख के बारे में बहुत सी अच्छी चीजें देखने को मिल जाएंगी। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।